कटिंग करेंगे। पेंट के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और उसको लंबाई में फैला दिया है और इसको डबल कर दिया। डबल में इसको रख देना है, तो इसको लंबाई में ही रखना है आपको। सबसे पहले निशान लगाना है आपको लंबाई का। तो जैसे कि मैं इसको 36 का बना रही हूँ, तो इस तरह आपको देखना है। ये हो गया फिक्स 36 इंच। अब इसमें 2 इंच नीचे मार्जिन लेना है और 1.5 इंच ऊपर मार्जिन लेना है। तो पहले निशान मार्जिन का लगाना है। ये निशान लगा दिया मार्जिन का। तो अब इसी मार्जिन से आपको अपनी लंबाई देखना है। इस तरह 36 हो गया और यहाँ पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पे रबड़ के लिए मार्जिन लेना है। अगर आपकी रबड़ 1.5 इंच की है तो आपको ऊपर की साइड 2 इंच का मार्जिन लेना है, और अगर आपकी रबड़ की साइज 1 इंच है तो आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो रबड़ के हिसाब से आपको 1/2 इंच मार्जिन ज्यादा लेना है और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब 1.5 इंच ऊपर की साइड मार्जिन, इसको भी सीधा कर दिया। इस निशान को लगाने के बाद इस कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन बनाना है। अब निशान लगाना है हमें हिप साइज का। कटिंग करेंगे हम हिप साइज के नाप से और इसमें कमर के हिसाब से डलेगी रबड़। तो अब निशान आपको हिप साइज का 1/4 भाग लेना है, उसमें आपको 4 इंच की लूजिंग जोड़ना है। जैसे कि इसकी हिप साइज है 36 इंच, तो 4 इंच की लूजिंग जोड़ने के बाद हो जाएगा 40 इंच का। 40 का अब आपको 1/4 भाग लेना है, तो 1/4 भाग आएगा 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगा दिया। अब आपको निशान लगाना है आसन का। आसन का निशान आपको इसी की लंबाई को उठा के इधर रखना है और इसमें 1 इंच और जोड़ देना है। तो इसका निशान लगाएंगे हम 11 इंच पे। 10 इसको ले लिया और 1 इंच बढ़ा दिया, 11 पे निशान लगा दिया। अब इस निशान को सीधा करना है। अब आपको 2 इंच बढ़ाना है इस साइड, आगे की साइड 2 इंच बढ़ाना है। ये 2 इंच बढ़ा दिया। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। इस निशान को इस तरह मिला देंगे। इस तरह आपको बॉक्स जैसा बनाना है। अब हमें नाप निकालना है घुटने का। तो जैसे कि ये 36 है तो इसका बीच में हाफ कर देंगे तो आएगा 18 इंच। इस तरह घुटने का नाप आप निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहो तो नाप इधर कर दिया, 6 इंच पे निशान लगा दिया। इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ पे भी एक बार नाप के देख लेना है। इसका बिल्कुल बीच का सेंटर निकालना है। इस तरह आपको बीच का सेंटर निकाल लेना है। तो अब निशान लगाना है मोहरी का। मोहरी जैसे 12 इंच है तो उसका निशान लगाएंगे हम 6 इंच का। तो इसके बीच सेंटर पे इस तरह आपको रखना है, 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ। ये हो गए दोनों साइड के निशान। तो इसको बिल्कुल बीच के सेंटर से निकालना है आपको, इधर उधर नहीं करना है। अब आपकी जो भी साइज आती है उसका आपको हाफ करना है। अब निशान लगाना है घुटने की गुलाई का। घुटने की गुलाई जैसे 15 इंच है तो उसका हाफ आएगा 7.5 इंच। तो आपको बीच सेंटर से रखना है 4.25 इंच इस तरफ और 4.25 इंच इस तरफ। तो ये हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब आपको इस तरह निशान लगा देना है। उसके बाद अब यहाँ पे गुलाई देना है, इस तरह मिला देना है। अब आपको सेफ हंटी उठाना है और इन निशानों को मिला देना है। इस निशान को और इसको और इसको, तीनों को मिलाना है। तो इस तरह रखना है, इस तरह मिला दिए। अब सेफ हंटी को इसी तरह लेना है और ऐसे पलट देना है। पलटते हुए इस निशान को मिलाना है, इधर से इस निशान को लेते हुए
इसको, तीनों को मिलाना। अब सेफ हंटी को इसी तरह लेना है और ऐसे पलट देना है, पलटते हुए इस निशान को मिलाना है, इधर से इस निशान को लेते हुए इसको, तीनों को मिलाना है, इस तरह निशान लगा देना है। अब हमें इसी निशान पे कटिंग करना है। इस तरह आपको पेंट की कटिंग करना है। तो आपको कटिंग करते समय ध्यान देना है कि पहले आपको सेंटर निकालना है, सेंटर निकालोगे तो कटिंग परफेक्ट रहेगी। तो सेंटर को अगर इधर उधर कर दोगे तो पहनने में घूमेगा, मतलब पैंट एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा। और आपको इधर भी बता देती हूँ, आसन जो निकालना है आपको वो 32 से 40 तक सेम आइडिया से आपको निकालना है। हिप साइज का लाइन उठाना है और इधर रख देना है और 1 इंच बढ़ाना है और इसका निशान लगा देना है। जब 40 से आप बड़ी साइज का बनाएंगे तो आपको इस निशान को 1/2 इंच और बढ़ा देना है। जब आप 32 से छोटी साइज बनाओगे तो आपको 1/2 इंच कम कर देना है। बस इसमें आपको इतना ही चेंज करना है। अब हम पीछे का पार्ट निकालेंगे। इस कपड़े को भी डबल में रख दिया है। डबल में रखने के बाद अब इसमें आगे का पार्ट रखना है। कटिंग करने से पहले मैं आपको एक अच्छी बात और इस तरह झुकाना है, इस तरह आपको तिरछी स्केल रखना है। पीछे की साइड से 1 इंच आसन को बढ़ा दिया है। जैसे हमने गुलाई इधर दी थी वैसे ही आपको इधर देना है। इस निशान को बिल्कुल बराबर से सीधा करना है, स्केल रखेंगे और इस निशान को मिला देंगे। अब आपको इस साइड कुछ भी नहीं करना है, इसके मिलाते हुए सेम कटिंग करना है। जितना चेंज करना था बस इतना ही आगे की साइड आपको चेंज करना है, पीछे की साइड आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मिला के बराबर कटिंग कर देना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 1 इंच आपको ऊपर की साइड बढ़ाना है, 2 इंच इधर बढ़ाना है और 2 इंच इधर बढ़ाते हुए नीचे की साइड जाना है। इस तरह आपको पैंट की कटिंग करना है। तो इसे काटने के लिए आपको बस थोड़ा सा समझना है और आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो को देखते हुए कटिंग करेंगे तो आप एक ही बार में पैंट बना लेंगे। कटिंग हमारी पूरी हुई। अब आप देख सकते हैं कपड़े को कि इसमें कितना सारा कपड़ा बच गया है। कटिंग हमारी पूरी हुई और अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सारा कपड़ा बच गया है। 1/2 इंच के हिसाब से आपको सिलाई चलाना है और सीधा इधर तक डालना है। पहले इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट करना है, तो ये आगे के पार्ट हैं। उसके बाद ये दोनों पीछे के पार्ट हैं। इसमें भी हमें 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई चलाना है। पीछे के पार्ट को उल्टा करना है और इसके ऊपर रखना है। इसको उल्टा किया और बराबर मिला के रख दिया। बराबर मिलाना है और 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। इसी तरह सिलाई आपको इस तरफ भी डालना है। तो दोनों साइड मिलाते हुए 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। तो इस तरह दोनों साइड, इसी तरह सिलाई हमने इस साइड भी डाल दी है। अब क्या करना है, ऊपर की साइड नेफा बनाना है। रबड़ के लिए पहले 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करना है और फिर इसी लाइन के अंदर कर देना है। तो जितना कपड़ा हमने मार्जिन कर लिया है उतना ही आपको यूज करना है। संभालते जाना है और किनारे पे सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरह आपको सिलाई किनारे से डालना है। और अगर आप दोनों को संभालते हुए सिलाई नहीं डाल सकते तो पहले आप 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड कीजिए और गुलाई से सिलाई घुमा दीजिए, उसके बाद फिर इस तरह पलट दीजिए, ठीक है? इससे आपको आसानी पड़ेगी। का यहाँ पे गैप छोड़ दिया है रबड़ पास करने के लिए। नेफा बनाने के बाद अब हमें बीच की सिलाई बंद करना है। इसको नीचे की साइड से बंद करेंगे। अब सिलाई आपको बीच के जॉइंट की डालना है। अब आप ध्यान दीजिए,
ये अभी इस तरह रखा हुआ है। अब इसको खींचेंगे, इस तरह खींचना है और बराबर से मिलाना है, तो पीछे के पार्ट का कपड़ा आगे की साइड एक इंच बढ़ जाएगा। तो ये इसी तरह रहेगा, इसको फिर हम प्रेस से सही से सेटिंग बिठा देंगे और आपको मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह सेंटर से मिलाना है और सिलाई डाल देना है, आधा इंच के हिसाब से सिलाई लाना है। तो बीच की सिलाई को पूरी गुलाई से घुमा दिया है नीचे की साइड। अब इसके बाद हमें मोहरी तैयार करना है, नीचे की मोहरी। तो आधा इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे, पहले कपड़े को दबाते जाना है और फोल्ड करते जाना है। तो इस तरह आपको नीचे की मोहरी बनाना है। इसी तरह मोहरी हम इस साइड बनाएंगे। सिलाई डालते समय आपको ध्यान देना है कि ये जो कपड़ा होता है उसका झुकाव एक ही साइड होना चाहिए। जैसे कि इस कपड़े का झुकाव इस साइड है, तो आपको ऊपर साइड तक भी ध्यान देना है कि जो नेफा में कपड़ा दबा हुआ है उसका भी झुकाव इसी साइड हो। ठीक है, दोनों का झुकाव एक ही साइड होना चाहिए, तभी प्रेस में अच्छे से बैठेगा। तो दोनों साइड की मोहरी बनके तैयार है। अब हमें ऊपर की साइड रबर डालना है। तो एक बार मैं आपको नाप लेके दिखा देती हूँ। जैसे हमने इसकी लंबाई 36 इंच रखी थी, तो अब आप देख सकते हैं कि बनने के बाद भी इसकी लंबाई बिल्कुल फिक्स है। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जितना मार्जिन आपने लिया है आपको उतना ही मार्जिन यूज करना है। इस तरह आप बनाएंगे तो आपका पैंट परफेक्ट बन जाएगा। अब हमें इसमें रबर डालना है। कमर का जो नाप होता है, अब उसे आपको इस्तेमाल करना है रबर डालने के लिए। तो जब आप रबड़ लेंगे तो आपको ध्यान देना है कि कमर जैसे कि 32 इंच है, तो रबड़ को 4 इंच उससे कम लेना है। तो मैंने इसको 28 इंच का ले लिया। अब एक पिन की मदद से इसको डाल देना है, जहां से हमने इसको ओपन रखा था उधर से ही डाल देंगे। इस तरह आपको रबड़ डाल देना है, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रखना है, इस तरह दबा के रखना है और इस पे 2-3 सिलाई चला देना। इस तरह इसको पैक कर दिया है। अब इसको सीधा कर देंगे, तो पैंट बनके कंप्लीट हो गया। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए।